एक्लिप्सिस हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसका नाम है द अर्थ मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ यह अर्थ के चारों ओर घूमता है सन हमारे लिए लाइट का सोर्स है मून के साथ अर्थ सन के अराउंड घूमती है रेवोल्यूशन के दौरान कभी कभी सन अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं सच सिचुएशन सीचुएशन टर्म्ड टर्म एन एक्लिप्स। इस वीडियो में हम जानेंगे सोलो एक्लिप्स और लूनो एक्लिप्स के बारे में तो चलिए बात करते हैं सोलो एक्लिप्स के बारे में किसी न्यू मून के एक स्पेशल डे पर सन अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं इससे मून की शैडो अर्थ पर गिरती है इसे इस सोलर एक्लिप्स कहा जाता है जाहिर है सोलर एक्लिप्स पर मून सन और अर्थ के बीच में आता है पार्ट और, और पेन अमरा सोलर इक्लिप्स देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के गॉगल्स की जरूरत होती है नहीं तो सन की लाइट हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकती है सपोज हमने विशेष प्रकार के गॉगल्स पहने और मून की शेडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनमरा से सोलर एक्लिप्स देखने लगे तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है इसे पार्शल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है लेकिन अगर हम शेडो के डार्क हिस्से में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं तो हम सन को मून से पूरी तरह से ढका पाएंगे इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स अब चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की किसी फुल मून की एक स्पेशल लाइट को सन अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं इस तरह कि अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है इसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है जाहिर है लूनर एक्लिप्स पर अर्थ सन और मून के बीच आती है यदि मून अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है यानी पेनम्रा से तो एक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स लेकिन अगर मून शैडो के डार्क पार्ट से गुजरता है तो एक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर एक्लिप्स टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है क्या आपको पता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर से बनी होती है अर्थ की एजेस से जब सन की लाइट पास होती है तो अर्थ के एटमोस में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं बाकी कलर्स की लाइट एटमोस्फियर में बिखर जाती है रेड लाइट के कारण मून रेड दिखाई देता है इसे ब्लड मून भी कहा जाता है कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ एक्लिप्स हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट पर कोई एक्लिप्स क्यों नहीं होता ऐसा इसलिए क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से टिल्टेड है यानी झुकी है इससे अर्थ सन और मून की सीधी रेखा में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती वह अर्थ के ऊपर या नीचे गिरती है इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शेडो मून पर नहीं गिरती वह उसके ऊपर या नीचे गिरती है इसलिए हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट को एक्लिप्स नहीं होता दिस इज अ रीजन एक्लिप्सिस डज नॉट अकर ऑन एवरी न्यू मून और फुल डेज बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक There is a tip for you. You must have heard many superstitions related to eclipses. Never believe any superstitions related to eclipses. All these are false. Believe in science and not in superstitions. Thanks for watching this video. For more such interesting videos, visit learnfataffer.com.